तो देखिए अभी हम लोग आ गए हैं बकरी बाजार। देखिए कितने सारे लोग भीड़ है, काफ़ी भीड़ है। देखिए रोड में पूरा भीड़ है। अभी तो हम लोग बाहर में ही है। और ये देखिए भैया कितना अच्छा बजा रहे हैं डमरू। देखिए ये हमारा दोस्त है, काफ़ी मस्ती कर रहा है ये। तो चलिए अंदर भी जा कर देखते हैं। देखिए कितना खूबसूरत सीन दिखाई दे रही है आपको। ये कभी सुधरेगा नहीं ये लड़का। देखिए इस जगह पे आप लोग को भी आना चाहिए, बकरी बाजार रांची। देखिए कितना खूबसूरत लाइटिंग दिखाई दे रही है। चलिए अभी और थोड़ा सामने करके दिखाऊंगा आपको। तो दोस्तों वीडियो के एंड तक बने रहिए, तभी पता चलेगा कैसा दिखाई दे रहा है। और चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों। देखिए अभी तो चलिए आगे और देखते हैं, एक बार और दिखा दूँ पूरा अच्छे तरह से। काफ़ी लोग यहाँ पे है, बाहर बाहर से लोग आए हुए हैं। आप लोग को ज़रूर आना चाहिए। उधर मेला भी लगा हुआ है। अरे देखिए इसका मायापुर धाम का है, सेम टू सेम बनाई गई है मंदिर। कितना अच्छा आर्ट लगा हुआ है। यहाँ काफ़ी अच्छे अच्छे चीज़ें देखने को मिलेगी। देखिए काफ़ी सुंदर दिखाई दे रहे हैं। ये भारतीय युवा संघ द्वारा बनाई गई है, जो काफ़ी खूबसूरत लग रही है देखने में। देखिए काफ़ी बहुत खूबसूरत दिखाई दे रही है आपको। यहाँ पे पुलिस लोग भी है अंदर में, ताकि कहीं लड़ाई झगड़ा ना हो अंदर। देखिए इतना मेहनत किया हुआ है पंडाल बनाने में। इस्कॉन मंदिर जैसा सेम टू सेम दिखाई दे रही है आपको ना। और ये है माता रानी, जो साल में एक बार आती है 10 दिनों के लिए। देखिए सामने एक दिखा रहा हूँ, वो देखिए चारों ओर कैसे दिखाई दे रही है। देखिए तो चलिए अब चलने का समय हो गया है, अभी मेला भी दिखाएंगे आपको। देखिए कुछ दिखाई दे रही है ना आपको, बड़ा सा फ्रूटी है और काफ़ी बड़ा है फ्रूटी। और देखिए मेला लगा हुआ है, देखिए कितना बड़ा फ्रूटी दिखाई दे रहे हैं आपको। यहाँ आप लोग अपने फैमिली साथ जरूर आना चाहिए। और ये देखिए अपर बाजार का है, काफ़ी गली में बना हुआ है, जगह इतना ही था इसलिए शायद छोटा बनाई गई है, लेकिन जो भी बोलो बहुत अच्छा लग रहा है देखने में। यहाँ काफ़ी लाइट अच्छा अच्छा लगाई गई है। देखिए त्रिशूल भी है, देखिए यहाँ काफ़ी लोग मजे ले रहे हैं। तो चलिए चलते हैं आगे। और ये देखिए भैया कितना अच्छा लाइटिंग गुबेरेला है। तो नेक्स्ट चलते हैं मारवाड़ी कॉलेज प्लस टू हाई स्कूल है। देखिए काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहे है बाहर से, यहाँ पहाड़े पहाड़ दिखाई दे रहे हैं। देखिए यहाँ पे काफ़ी पेड़ है साइड में, हरे भरे दिखाई दे रहे हैं ना। देखिए ये हमारे दोस्त लोग आके हैं, काफ़ी मस्ती कर रहे हैं। देखिए तो चलिए अंदर देखते हैं कैसा दिखाई दे रही है। देखिए पहाड़ भी दिखाई दे रहे हैं आपको, देखिए काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा है ना। उधर कुछ दिखाई दे रहे हैं आपको, पानी में नाव है। देखिए सामने आके दिखाता हूँ, देखिए कितना खूबसूरत है। काफ़ी अच्छे अच्छे सीन दिखाई दे रहे ना। देखिए तो अंदर चलिए देखते हैं कैसा है। देखिए काफ़ी बड़े मूर्ति दिखाई दे रही है आपको, ऐसा लग रहा कहीं गुफा में है। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो चलते हैं मेन रोड।
सरजना चौक पर। तो अभी हम पहुंच चुके हैं मेन रोड सरजना चौक। देखिए यहाँ काफ़ी सारे खाने को मिलेगी, और देखिए यहाँ छोटे छोटे बच्चों के लिए भी कुछ लगाया गया है। देखिए तो चलिए अंदर जाते हैं थोड़ा। देखिए काफ़ी खूबसूरत दिखाई दे रहे हैं ना दोस्तों। पहले वाला आदमी लोग जैसा दिखाई दे रही है, मनुष्य जैसा, आदि मानव जो पहले रहते थे ना। देखिए पहले का शिकारी जैसा दिखाई दे रही है ना। तो चलिए अभी अंदर आपको दिखाने। देखिए अभी काफी बड़े बड़े रावण जैसे दिखाई दे रहे हैं बाहर में। चलिए जल्दी चलते हैं अंदर। यह काफी बड़े फिश है मछली, और ये देखिए छोटा छोटा मछली पूरा दिखाई दे रही है। काफी मेहनत किया गया है। देखिए काफी मूर्तियां छोटे छोटे बनाई गई है दोनों साइड है, और देखिए अंदर में काफी खूबसूरत दिखने को मिलेगी। यहाँ पे चारों ओर मछलियाँ दिखाई दे रही हैं। आपको दिखाई दे रहे तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। देखिए यहाँ पे काफ़ी ब्लू लाइट लगाई गई है, ये ब्लू ब्लू मछली। देखिए देखिए कुछ दिखाई दे रहे हैं। यहाँ देखिए काफ़ी बड़ी मूर्ति है। तो जल्दी चलते हैं, और भी कुछ दिखाने वाला हूँ अच्छे अच्छे सीन। तो अभी हम लोअर बाज़ार पहुँच चुके हैं। देखिए काफ़ी मेहनत किया हुआ अच्छे से। तो सामने से चलिए देखते हैं। देखिए दोस्तों वीडियो अच्छे लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय दोस्तों।